चुके हैं और रोड का कार्य आज से शुरू होने जा रहा है और मौका मौना करते विधायक मैंने अब रोडों का काम शहरों में शुरू होने जा रहा है दोस्तों। सड़कों का काम दोस्तों अब शुरू होने जा रहा है और आप देख रहे हैं सोनी चौराहा बजरिया में माननीय MLA साहब और तहसील साहब काम शुरू होने जा रहा है रोडों का। सोनी चौराहे पे आप देख रहे हैं माननीय विधायक महोदय मौका माना करते हुए रोडों का कामों का माननीय विधायक महोदय गंगापुर सिटी के सोनी चौराहे पे हैं दोस्तों और रोडों का जायजा ले रहे हैं और आज से गंगापुर सिटी में रोडों का कार्य शुरू होने जा रहा है और मौका मुआयना करते हैं माननीय विधायक महोदय तमाम आला अधिकारियों के साथ। और इसके अलावा ये वाला रोड पहले ये पूरा करोगे उसके बाद मैं नॉल का काम इसमें पूरा हो गया ठीक है सर। सर किस चीज़ को लेकर यहाँ पर बस ये सड़क का अभी काम चालू करेंगे और यहाँ से स्टार्ट होगा ये और देव स्टोर चौराहे तक बनेगा। ये LNT का जो पहले हमने वहाँ से फवारे से वो चालू करने के लिए उस समय शिलान्यास किया था लेकिन वो काम इसीलिए वो शुरू नहीं हो पा रहा था कि मेन हॉल का काम LNT ने किया ही नहीं और वो पूरी हमने उसकी तहकीकात की है कागज़ निकाले हैं देखे हैं उससे पता लगा कि LNT का काम अधूरा पड़ा हुआ है। अभी हमने उसको बिल्कुल पाबंद किया हुआ है कमिश्नर साहब हैं कमिश्नर साहब को बिल्कुल पाबंद किया हुआ है। HDO साहब ने 5 करोड़ रुपया जो आया है उसमें अभी भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक LNT काम नहीं करेगी। पहले ये काम होगा उसके बाद में LNT को भुगतान किया जाएगा। जो मेन हॉल का काम बाकी पड़ा हुआ है उसको हमने शुरुआत कर दी है। मेन हॉल का काम अलग से चल रहा है और ये रोड का काम जल्दी कितना सर 2 दिन में लास्ट 2 दिन के अंदर अंदर इसे 2 दिन चालू कर दिया। हॉस्पिटल वाला भी रोड बनाएंगे ये बनाएंगे कचहरी वाला रोड है वो बनेगा ये सारे के सारे रोड अच्छे से अच्छे बनेंगे और अब LNT को पूरी तरीके से इसके लिए बाध्य कर दिया है कि रोडों का काम उसे करना है तब जा कर के ही उसको भुगतान होगा। पहले जो ज़्यादा भुगतान ले गया जो गफलत उसने कर दी उसकी उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। नया पेमेंट जब मिलेगा जब काम करेगा। सर LNT कंपनी द्वारा जो सीवरेज चैम्बर डाले गए हैं मुख्य मार्गों पर वो कहीं ऊंचे हैं तो कहीं नीचे उससे आए दिन हादसे हो रहे हैं उसका ऊंचे नीचे वो सीवरेज के जो चैम्बर है वो ऊंचे नीचे डले हुए हैं। सीवरेज का जो मेन हॉल है वो
डला नहीं है, जब मैन होल नहीं डला तो कंप्लीशन का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब काम अधूरा पड़ा हुआ है, तो अधूरा काम पहले पूरा करिए, उसके बाद में भुगतान होगा। और जब तक काम ये पूरा नहीं करोगे, तब तक रोडों का काम आप तक जब तक नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भुगतान नगर परिषद अब नहीं कर सकती। मैंने इनको लिख कर आने वाले दिनों में लोगों ये एश्योर रहे कि बिल्कुल अब फिजा बदलेगी और विकास के काम गति से होंगे। सारे अधिकारी आपके सामने हैं और अब हमने ये बिल्कुल तय कर लिया है कि इसमें लगातार एसडीएम की तरफ से मॉनिटरिंग रहेगी, एडीएम की तरफ से मॉनिटरिंग रहेगी। कोई एलएनटी या विकास की जो और कोई एजेंसी है, संस्था है, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। नगर परिषद में जो गफलतबाजी हो रही थी उसको रोक दिया, जो अनावश्यक रूप से जो पेमेंट किया जा रहा था वो पेमेंट को भी उसकी जांच करवाएंगे और आगे पेमेंट नहीं करेंगे। धन्यवाद। विधायक महोदय ने रोड का निरीक्षण किया, तो काम शुरू हो गया है। वो फूल तो दिए हैं और आप देख रहे हैं ये जर्जर अवस्था में जो रोड है वो ठीक होकर नहीं है।